operating system process synchronization mechanism turn variable or strict alteration. So turn variable is a type of synchronization mechanism जो कि दो processes के लिए apply होता है, right? दो से ज़्यादा processes के लिए ये solution नहीं है, ठीक है? First thing, second thing, for example, there are two processes, process zero and process one, right? तो उसके लिए दोनों के लिए code same होगा, ठीक है? Code जो anti section पर है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जो टर्न की वैल्यू है वो यहाँ पर जीरो है, यहाँ वन है, और जो एग्जिट सेक्शन है वो यहाँ पर वैल्यू वन है एंड यहाँ पर जीरो, ठीक है? तो इनिशियली जो वैल्यू है वो जीरो सेट है, ठीक है? मीन्स सबसे पहले जो है प्रोसेस जीरो एक्सिक्यूट होगा, और जस्ट रिज्यूम कीजिए जो प्रोसेस जीरो है वो अराइव करता है, तो उस केस में सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो ये एक्सिक्यूट होगी, और यहाँ पर वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जब टर्न की वैल्यू जीरो नहीं है, और हम लेकर चल रहे हैं कि जब टर्न की वैल्यू इनिशियली जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? ब्रेक होने के बाद क्या होगा, प्रोसेस जीरो जो है क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, एक्सिक्यूट करेगा, और फाइनली जब ये एग्जिट करेगा तो ये क्या करेगा, टर्न की वैल्यू को वन सेट कर देगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ दो प्रोसेसेस में डील कर रहे हैं. दो प्रोसेसेस में डील करने का मतलब क्या है कि जो भी दो प्रोसेस हैं किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सिर्फ वो दो प्रोसेस जो हैं उनमें हम ये कोड लिखेंगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल जब मीनवाइल प्रोसेस जीरो क्रिटिकल सेक्शन में था, ठीक है, प्रोसेस वन अराइव हुआ, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, प्रोसेस वन भी सेम कोड एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर वाइल टर्न नॉट इक्वल टू वन, अब क्योंकि प्रोसेस जीरो जब क्रिटिकल सेक्शन में है, तो यहाँ पर टर्न नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि टर्न की वैल्यू एक्चुअल में जीरो है, ठीक है? और यहाँ पर जीरो तब तक है जब तक प्रोसेस जब है एक्सिट सेक्शन पर नहीं आ गया, मीन्स उसने टर्न की वैल्यू को वन नहीं सेट किया, ठीक है? तो अभी अगर प्रोसेस जीरो क्रिटिकल सेक्शन में और प्रोसेस वन इसको एक्सेस करना चाहता है, तो यहाँ पर जो वाइल लूप है उसमें क्या आएगी वैल्यू, वो आएगी टर्न की वैल्यू जीरो, ठीक है? तो यहाँ पर जो वैल्यू जीरो है वाइल टर्न नॉट इक्वल टू वन मीन्स जब टर्न की वैल्यू वन नहीं है मीन्स जीरो है, अब क्योंकि हमने कहा कि प्रोसेस जीरो क्रिटिकल सेक्शन में मतलब टर्न की वैल्यू जीरो ही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाइल लूप चलता रहेगा, एक्सिक्यूट होता रहेगा, मीन्स प्रोसेस वन तब तक इसी कोड को एक्सिक्यूट करता रहेगा, इसी लूप में चलता रहेगा जब तक कि प्रोसेस जीरो टर्न की वैल्यू को वन नहीं सेट कर देता, ठीक है? जब प्रोसेस जीरो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा, ये टर्न की वैल्यू को वन सेट करेगा, तो उस टाइम पे ये जो प्रोसेस वन वेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसको जो भी मेमोरी से वैल्यू है वो टर्न की वैल्यू वन मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और वाइल लूप ब्रेक होकर क्या होगा, प्रोसेस वन को क्रिटिकल सेक्शन को एक्सिक्यूट करना क्या एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? क्रिटिकल सेक्शन को एक्सिक्यूट करने के बाद ये फाइनली क्या करेगा, ये टर्न की वैल्यू को जीरो सेट कर देगा, मींस अल्टरनेट, क्योंकि इस जो मैकेनिज्म है इसका नाम है स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, मींस स्ट्रिक्टली ये दो प्रोसेस हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन को एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, तो स्ट्रिक्टली इन दोनों की टर्न आती रहेगी, मीन्स पहले प्रोसेस जीरो एक्सिक्यूट होगा, फिर प्रोसेस वन एक्सिक्यूट होगा, देन बैक टू जीरो एंड देन वन, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस क्या है कि अगर प्रोसेस जीरो एक्सिक्यूट नहीं करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टर्न की वैल्यू को वन सेट नहीं करेगा इनिशियली अगर ये वैल्यू जीरो है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि टर्न की वैल्यू को वन ना सेट करने की वजह से क्या होगा, प्रोसेस वन भी इसको नहीं एक्सेस कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन को, क्यों, क्योंकि इस लूप में वो क्या करेगा, बार बार एक्सिक्यूट करता रहेगा, क्योंकि इसको एक्चुअल में क्या चाहिए, वैल्यू वन चाहिए और इसको वैल्यू जीरो चाहिए, मीन्स जब टर्न की वैल्यू जीरो है तो प्रोसेस जीरो जो है क्रिटिकल सेक्शन में है, और जब टर्न की वैल्यू वन है तो प्रोसेस वन जो है क्रिटिकल सेक्शन में, ओके? तो यहाँ पर प्रॉब्लम कब आती है, सी फॉर एग्जांपल प्रोसेस जीरो एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस जीरो ने फाइनली क्रिटिकल सेक्शन को एक्सिक्यूट किया, टर्न की वैल्यू को वन सेट किया, फाइनली कंट्रोल प्रोसेस वन के पास आया,
और अज्यूम कीजिए कि प्रोसेस वन जो है थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, या फिर ज़्यादा स्लो भी मान लीजिए, ठीक है। अब अगर प्रोसेस जीरो बाकी सभी एक्सिक्यूशन करके वापस आता है और फिर से क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रोसेस वन स्लो है उस केस में इसको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। ज़्यादा मीन्स इतना ज़्यादा नहीं कि अल्टीमेटली ये स्टार्वेशन में चला जाए, क्योंकि थोड़ा सा स्लो होने की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल लेट मिल सकता है, बट एक्चुअल में स्टार्वेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो प्रोसेस है जो रेस कंडीशन में है, ठीक है, कि ये दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में जाना जाता है, तो स्टार्वेशन नहीं आएगी बट वेट करना पड़ेगा ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर यही सब लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट एंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्यों, क्योंकि दो प्रोसेस हैं और दोनों में से एक टाइम पर एक को ही प्रोसेसर मिल रहा है। सेकेंड, इट फॉलोज द स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन अप्रोच, ठीक है, स्ट्रिक्टली एक बार प्रोसेस जीरो, देन प्रोसेस वन एंड बैक टू जीरो, बैक टू वन, राइट। प्रोसेसेस हैव टू कंपल्सरी एंटर द क्रिटिकल सेक्शन ऑल्टरनेटली वेदर दे वॉन्ट इट और नॉट। मीन्स प्रोसेस जीरो अगर क्रिटिकल सेक्शन में नहीं भी जाना जाता तो भी इसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना पड़ेगा अगर प्रोसेस वन जो है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सिक्यूट करना चाहता है। क्यों, क्योंकि जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा तो ये टर्न की वैल्यू को वन सेट नहीं करेगा और प्रोसेस वन को कंट्रोल नहीं मिलेगा। मीन्स कंपल्सरी है कि दोनों ऑल्टरनेटली क्या करें, एक्सेस करते रहे क्रिटिकल सेक्शन को। ओके, नेक्स्ट इज इट डज नॉट गारंटी प्रोग्रेस सिंस इट फॉलोज द स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन अप्रोच। मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस क्यों नहीं है, अगर प्रोसेस जीरो जो है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं करना चाहता तो ऑब्वियसली कभी भी कंट्रोल प्रोसेस वन को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब क्या है, प्रोग्रेस नहीं होगी, ठीक है। देन इट एंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेस अगर प्रोसेस वन को अगर कंट्रोल चाहिए तो मिलेगा, बट द थिंग वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इट एंश्योर प्रोसेस डज नॉट स्टार्व फॉर द सीपीयू, स्टार्वेशन नहीं होगा क्योंकि ऑल्टरनेट कंपल्सरी है कि वो एक्सिक्यूट करें अपने क्रिटिकल सेक्शन को। इट इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, मीन्स यहाँ पर हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमें हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं होना है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, इट इज अ बिजी वेटिंग सॉल्यूशन व्हिच कीप्स द सीपीयू बिजी व्हेन द प्रोसेस इज एक्चुअली वेटिंग। मीन्स जब प्रोसेस जीरो एग्जीक्यूट हो रहा है इस क्रिटिकल सेक्शन में, तो प्रोसेस वन अगर एक्सेस करना चाहते तो वो बार बार इस लूप में इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहेगा। मीन्स वो सीपीयू की साइकिल को यूज कर रहा है, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। ओके,